ओम शांति। आज की साकार मुरली 10 दिसंबर 2021। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से जो गुण सिखा रहे हैं वो है सच्ची दिल का। सच्ची दिल, दिल जो है उसका कनेक्शन है हमारी भावनाओं के साथ, हमारे इंटेंशंस के साथ, हमारी डीप रूटेड फीलिंग्स के साथ, हमारे विचारों के साथ। और सत्यता, सच्चाई का जो कनेक्शन है वो है ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी के साथ, सफाई के साथ, प्योरिटी के साथ, संपूर्णता के साथ। तो सच्ची दिल पर साहब राजी कहा जाता है। तो साहब राजी जो होता है वो सच्ची दिल पर होता है। सच्ची दिल अर्थात जिसके इंटेंशंस में प्योरिटी है, ईमानदारी है, वफादारी है, फरमान बरदारी है और साफ दिल है, अंदर में कोई भी खोट ना हो। जब हम सच्ची दिल की बात करते तो सच्चाई की एकता के साथ भी कनेक्शन है। हम कहते हैं परमात्मा सत्य है और सत्य हमेशा एक होता है, तो एकता के साथ भी सच्चाई का कनेक्शन है। तो सच्ची दिल अर्थात हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म में एकता हो, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं इसमें भिन्नता ना हो। भिन्नता है अगर अर्थात खोट, अगर उसके अंदर कोई भी कमी है तो वो चीज़ हमारी जो प्राप्ति हमें करनी है वो नहीं करा पाती। जैसे कि नाव में एक छोटा सा छेद भी नाव को डुबा देता है, ऐसे ही ये भिन्नता की अंदर में कोई भी खोट है, विचार के अंदर या वाणी के अंदर या कर्म में भिन्नता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी एक छेद के समान है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। और जो सच्ची दिल की बात करी वो सच्चाई का कनेक्शन संपूर्णता के साथ भी है। तो हम अपने अंदर में अपनी सत्य स्वरूप में स्थित रहे, अपनी सत्य स्वरूप अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं जब, तो आत्मिक गुणों के साथ हम कार्य करते हैं अर्थात सच्ची दिल के साथ कार्य करते हैं, तो हमारी भावनाएं भी शुद्ध हो जाती है, शुभ हो जाती है। तो आज सारा दिन अपनी आत्मिक स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप के साथ रहकर वफादारी, ईमानदारी के साथ, मन, वचन और कर्म की एकता के साथ हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। और सच्चे दिल से जब हम अपने इस कर्म को करेंगे तो साहब राजी होगा हम पर और हर कार्य में हम सहज रीति से सफलता प्राप्त करेंगे। आज के दिवस की यही शुभकामनाएं। ओम शांति।